तेरा नाम क्या है? पकड़ना। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 6 से 7 दिनों से पहलवान जो हैं अपने आरोपों और अपनी शिकायतों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में अब राजनेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है और इसी के साथ गोदी मीडिया के पत्रकार भी वहां जाकर अपनी पत्रकारिता का नमूना दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया के ही पत्रकार टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर जो हैं वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी भी आ जाती हैं उनका समर्थन करने। गोदी मीडिया के जो पत्रकार है वो वहां पर अपनी पत्रकारिता का नमूना पेश करते हुए उनसे अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें खूब दौड़ाया जाता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर की पत्रकारिता दिख रही है। इसमें वो एक शख्स के पीछे जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ो, इसका वीडियो बनाओ। अब इस पूरे मामले को आपको समझाएंगे, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें टाइम्स नाउ के पत्रकार सड़क पर लोटपोट करते हुए दिख रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो राफेल गांधी ने शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये रही 150 रैंक वाली पत्रकारिता। अब आप ये वीडियो देखिए सबसे पहले, जिसमें ये टाइम्स नाउ के पत्रकार जो हैं ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसे देखकर आपका भी सर जो है वो घूम जाएगा। यहाँ पर वो किसी शख्स के पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ लो, इसका वीडियो बना लो, इस तरह की बातें कह रहे हैं। वीडियो देखिए आप। तो वीडियो आपने देखा कि किसमें उस तरीके से ये उस वीडियो में जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, कैमरामैन इनके पीछे भाग रहा है, ये खुद भाग रहे हैं, कभी इस तरफ भागते हैं कभी उस तरफ भागते हैं और ये किसके पीछे भाग रहे हैं तो नहीं पता है। इसी के साथ राफेल गांधी ने एक और यहाँ पर ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि सुशांत सिन्हा और नविका कुमार द्वारा जंतर मंतर पर भेजे गए इन दो जूनियर दलालों को धरने से खदेड़ दिया गया। आने जाने वालों से पाकिस्तान, खालिस्तान, सीरिया आदि पर फालतू बातें करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तस्वीर राफेल गांधी ने यहाँ पर शेयर की है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी कोई आंदोलन होता है दोस्तों, तो ये पत्रकार जो हैं, अपने आप को जो ये पत्रकार कहते हैं, ये वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद ये अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, अलग तरह की पत्रकारिता करते हैं, जिसके बाद इनकी खूब खिल्ली उड़ती है और इनकी खूब बेइज्जती भी होती है। पिछले ही दिनों आपने एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखा जिसमें श्वेता सिंह जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुँचती हैं और उसके बाद श्वेता सिंह को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। श्वेता सिंह को लेकर लोग गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। श्वेता सिंह वहां पर रिपोर्ट कर रही होती हैं और पीछे उनके खड़े लोग जो हैं वो गोदी मीडिया मुर्दाबाद की नारेबाजी करने लगते हैं, जिसे देख के हर कोई जो है वो यही कह रहा है कि ये लोग स्टूडियो में बैठकर नफरत तो फैला देते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बकवास तो कर देते हैं, लेकिन जब ये लाइव रिपोर्ट करने जाते हैं, जब ये ग्राउंड पर रिपोर्ट करने जाते हैं तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है और इनकी फैलाई हुई नफरत का परिणाम भी इनको देखना पड़ता है। श्वेता सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो देखिए और उसमें देखिए कि किस तरीके से श्वेता सिंह को लेकर लोग जो है वो गोदी मीडिया की नारेबाजी कर रहे हैं और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा। अब गौरतलब ये है कि जब भी ये लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो उसके बाद इन्हीं को लेकर जो है इसी तरह के रुझान सामने आते हैं। किसान आंदोलन आपने देखा कि देश में किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी ये लोग जब लाइव रिपोर्ट करने गए, पहले तो उन्होंने स्टूडियो में बैठ करके किसानों को क्या कुछ कह दिया, किसानों को प्रोपोगेंडा तक कह दिया कि ये लोग सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा कह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, जब भी सड़क पर कोई आंदोलन होता है, कोई प्रदर्शन होता है, कोई विरोध होता है, तो ये लोग जो हैं वो सरकार के पक्ष में आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रेसलर हो, चाहे किसान हो, ये लोग सभी को एक ही लाठी से हाँकते हैं और ये यही कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं, ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर जब ये ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, तो इनको इसी तरह का विरोध जो है वो झेलना पड़ता है, इसी तरह की बेइज्जती जो है इन्हें करानी पड़ती है। आपने देखा कि किसान आंदोलन में चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह
और भी कई बड़े बड़े एंकर, कई बड़े बड़े पत्रकार जब ग्राउंड पर गए, जब किसानों को कवर करने गए, तो उसके बाद उन्हें किस तरीके से जो है अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। गोदी मीडिया गो बैक के नारेबाजी हुई और तमाम चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसी के साथ आपको ये भी दिखा देते हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत अपने रिपोर्टर की इस हरकत को लेकर क्या कुछ कह रहा है। जिस तरीके से उनका रिपोर्टर पागलों की तरह भाग रहा है, किसी को पकड़ने की बातें कर रहा है और लोटपोट हो रहा है सड़कों पर, उसे लेकर टाइम्स नाउ नव भारत यहां पर ट्वीट करता है और लिखता है कि हैशटैग ऑपरेशन शीश महल, केजरीवाल से सवाल पूछोगे तो मार पड़ेगी, नव भारत ने सच दिखाया तो हमला कर दिया, एंकर बरखा के साथ देखिए शीश महल का सच बहुत चुभता है। यहां पर आप टाइम्स नाउ की कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार जो है वो ये कह रही हैं कि टाइम्स नाउ के पत्रकार पर हमला कर दिया जब उसने शीश महल पर सवाल पूछा। अब आप बताइए कि जंतर मंतर पर लेस्लर का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनका धरना हो रहा है, उस पर सवाल जवाब पूछने चाहिए थे, लेकिन ये लोग जो है हर जगह अपना प्रोपोगेंडा निकालने पहुंच जाते हैं। वहां पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर जो कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा और उसके बाद इनका आरोप है कि किसी कार्यकर्ता ने इनका माइक छीन लिया, इनसे बदसलूकी की, इनको धक्का दिया, इनको भगाया, इस तरीके से इनके आरोप हैं। आप वो ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें टाइम्स नाउ इस तरह के आरोप लगा रहा है। उसमें लिखा है, जैसा कि टाइम्स नाउ ने आपसे जवाब मांगना जारी रखा है, आज हमारी टीम को धक्का दिया गया और यहां तक कि आप कार्यकर्ता द्वारा उनसे माइक भी छीन लिया गया। तो यहां पर टाइम्स नाउ जो है इस तरह के आरोप यहां पर लगा रहा है। अब आप ही सोचिए कि वहां पर लेस्लर का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर के सवाल जवाब करना चाहिए। जब आप जंतर मंतर पर पहुंच ही गए हैं तो वहां पर थोड़ा रेस्लर का विरोध प्रदर्शन दिखा दीजिए, उनकी बातें दिखा दीजिए। लेकिन यहां पर टाइम्स नाउ नव भारत ने अरविंद केजरीवाल का घर शीश महल है, उनके घर में इतना कैसे खर्चा हो गया, 4 लाख के पर्दे कैसे हो गए, 8 लाख की टॉयलेट सीट कैसे हो गई, इस तरह के सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, जिसके बाद इस तरह से चीजें जो है, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जिसमें आपने वीडियो देखा कि वो भाग भाग कर पत्रकारिता कर रहे हैं और भाग भाग कर न जाने किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय समय पर इन पत्रकारों के, इन गोदी मीडिया के पत्रकारों के इस तरह के वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों भी टाइम्स नाउ नव भारत के एक रिपोर्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें टाइम्स नाउ के पत्रकार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जो है वो धक्के मारकर निकाल दिया था। उनके अधिकारी वहां पर मौजूद थे और लगातार टाइम्स नाउ के रिपोर्टर जो हैं वो सवाल पूछ रहे थे अधिकारियों से, उनके बॉडीगार्ड से, जिसके बाद बॉडीगार्ड ने उनको धक्के मार करके वहां से निकाल दिया था। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसे लेकर सुशांत सिन्हा ने ट्वीट भी किया टाइम्स नाउ के एंकर, और ये कहा कि किस तरीके से हमारे सवालों से जो है अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत उनमें नहीं है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आपने देखी। अब आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, गोदी मीडिया के एंकर कब सुधरेंगे और ये सही से पत्रकारिता कब करेंगे, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।